कुंडली क्रीडा विज्ञान रायगढ़ के प्रेसिडेंट अशीष पटेल, हम क्रीडा विज्ञान रायगढ़ 7x14 मेगा एग्जीबिशन लेकर आ रहे हैं। इसमें हमारे वसंत जी का हार्दिक में स्वागत करता हूँ, सभी सीनियर का हार्दिक स्वागत करता हूँ और पत्रकार सभी आए उसका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और हमारे सभी मेंबरों का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो हमारे कन्वीनर है विघ्नेश पटेल, वो आपको इस एग्जीबिशन के बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे। तो आगे का हाल जो है वो विघ्नेश पटेल कन्वीनर है, वो आपको बताएंगे कि एग्जीबिशन क्या आने वाला है, क्या है वो सब विघ्नेश पटेल बताएंगे। I request Mr. Vignesh Patel sir, the co-convener of Kreda Vignan Rival, to please give us a small introduction about the upcoming exhibition. Hi, I am Vignesh Patel, convener Kreda Vignan Rival. अपना इस बार हम लोग 7th प्रॉपर्टी एक्सपो लेके आ रहे हैं खांदेश्वर रेलवे स्टेशन कामोठा, और मैं सभी मुंबई और नवी मुंबई कर को इनवाइट करना चाहूँगा कि आप हमारे 7th प्रॉपर्टी एक्सपो में आइए। इसमें हमारे 100+ एग्जीबिटर्स अवेलेबल है, 400+ प्रोजेक्ट डिस्प्ले रखे गए हैं, अफोर्डेबल और मीडियम रेंज के सभी फ्लैट, और बायर्स इन्वेस्टर सभी को मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि आप हमारे एक्सपो में आइए और हमारी मैक्सिमम रेंज की प्रॉपर्टी अवेलेबल है, आप देखिए। और इस बार हम लोगों ने हमारा टैगलाइन रखा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो मैं सभी फ्लैट बायर्स को बताना चाहूँगा कि आप हमारे, ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए फ्लैट बाय करने के लिए, क्योंकि यहाँ से आगे फ्लैट के रेट काफ़ी इंक्रीज होने वाले हैं, ऐसा हमारा एनालिसिस है। और आने वाले समय में एयरपोर्ट अपना स्टार्ट हो रहा है December 24 तक, और MTHL ब्रिज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट मार्केट में भी दिखने भी स्टार्ट हो गया है। तो मैं सभी बायर्स को कहना चाहूँगा कि आप हमारे एक्सपो में आइए, विजिट कीजिए और एक्सपो का विजिट करके आप आपकी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। और लास्ट हमारा एक्सपो 6th एक्सपो था December 22 में, और इसमें हम लोगों ने ऑन द स्पॉट 550+ फ्लैट सोल्ड आउट किए थे। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको इस बार हमारे एग्जीबिटर के रूप में हमको इमीडिएटली मिला है, क्योंकि अल्टीमेटली फ्लैट बायर्स को और एग्जीबिटर को एक ही प्लेटफॉर्म के बिजनेस करने का और प्रॉपर्टी परचेज करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं हम। तो इस बार भी मैं बायर्स को इन्वाइट करना चाहूँगा, आप आइए प्रॉपर्टी देखिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट श्री वसंत वर्मा, मेंटर ऑफ रिटायर्ड डीएम ड्राइवर, टू गिव अस अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट द अपकमिंग एग्जीबिशन। वेलकम प्रेस, मैं हमारे सभी मीडिया के भाइयों को, हमारे मतलब मीडिया ही हमारी जान है। मेरे करीब के एकदम खास दोस्त विनोद भंडारकर, मनोज जानना वाला, सुदेश शर्मा और सभी प्रेस वालों को मैं वेलकम करता हूँ। आपकी वजह से ही हम पब्लिक तक पहुँचेंगे। सभी 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 का नाम सभी को साथ में ले लिया है, डोंट वरी, कोई नहीं चिढ़ेगा, सब लोग दोस्त हैं हमारे मेरे। और हम आपकी वजह से ही हर घर में हर इंसान तक पहुंच पाते हैं, वो ही हमारे पास में जरिया है। तो ये 2, 3, 4, 5 फरवरी को जो हमारा एग्जीबिशन आ रहा है, वो एग्जीबिशन हर मैम बायर्स के लिए सभी टाइप के प्रॉपर्टी यहाँ पे फ्रेम की हुई है, मोर देन 100 के जैसा विघ्नेश भाई ने बताया पार्टिसिपेशन है, कम से कम 400 के ऊपर प्रोजेक्ट फ्रेम होंगे। तो मेरी सभी पास को एक विनती है कि आप आके आपका सपनों का घर यहाँ पे एक ही छत के नीचे रिक्वायरमेंट के मुजब आप परचेस करें। थैंक यू। एग्जीबिशन के बारे में सर ने जैसा बोला कि सर एक का नाम सबका नाम हमारे भी सब बराबर है, डोंट वरी, सब एक प्रेस वाले वही जैसे हैं। एग्जीबिशन के बारे में हमारे कन्वेंट ने पहले जैसे आपको बताया कि हमारे ये 7वां एग्जीबिशन है, और इस एग्जीबिशन से हमें ऐसा लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा फायदा MTHL की वजह से मिलने वाला है, अटल सेतु की वजह से जो कनेक्टिविटी न्यू बॉम्बे को इस बार मिली है उससे डेफिनेटली रेट तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे,
और उसी हिसाब से हमने टैगलाइन भी अपना बनाया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये रेट जो इस साल आपको मिलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ में कभी आपको ये रेट मिलने वाले हैं। जो लोग इससे फायदा उठाएंगे तो डेफिनेटली जिंदगी भर याद रखेंगे कि ये एग्जीबिशन से हमने जो फायदा उठाया, जो घर दिए और उनको जो फैसिलिटी, मतलब एक ही एग्जीबिशन के अंदर शोकेस में देखने को मिलेगा वो तो आप सब जानते ही हैं, डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट बिल्डर्स। लास्ट एग्जीबिशन का हमारा टारगेट 500 था और इस बार हमारा टारगेट 700 के ऊपर का है, 700 के ऊपर ऑन द स्पॉट बुकिंग होनी चाहिए, दैट इज आवर टारगेट। उसमें आप सबकी विशेष भी रहना जरूरी है, आप सबका ताउन भी जरूरी है, आप जितना हमें लोगों तक पहुँचाएंगे इसके बारे में उतने लोग हमारे पास आएंगे। सेकेंड एग्जीबिशन हमारा जो करने का रीजन यही रहता है कि दैट इज अफोर्डेबल हाउसिंग। जो प्रधानमंत्री आवास योजना से हमने स्टार्ट किया था 2-3 साल पहले, हर एग्जीबिशन में यही कोशिश करते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग पे हमारा ध्यान रहता है। इस बार भी वैसा ही है, 25 लाख से लेकर 5 करोड़ का घर मिल रहा है और बाकी सब तो आप देखेंगे जो भी है, बाकी सब आप समझ रहे हैं। जो मुझे एक चीज अभी थॉट आया कि जैसा मोदी जी चाहते हैं कि 22 तारीख को राम जी अपने घर में आ रहे हैं, वैसा मैं भी चाहूंगा कि सब लोग अपना घर लेके अपने घर में आबाद रहे, खुश रहे और हम सब बिल्डरों को दुआएं दें कि हम उनसे कुछ फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मूवी हनेट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट श्री चिराग शाह, प्रेसिडेंट इलेक्टेड ऑफ रिटायर्ड बीएनएम ड्राइवर, टू गिव अ स्मॉल स्पीच रिगार्डिंग द अपकमिंग एग्जीबिशन। थैंक यू मीडिया, आप लोग आए और आप लोगों की वजह से हम लोग हमारा जो गोल है हम कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। हमने हमारा जैसा हमारा कन्वीनर और पूरा टीम ने जो बताया आपको कि हमने हमारे तरफ से पूरा तैयारी कर दिया है कि कंज्यूमर तक जो पहुंचना चाहिए, जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है 100 से ज़्यादा डेवलपर है, 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट एक ही जगह पर हमने रेडी करके रखा है। गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया है, MTH ने स्टार्ट कर दिया है, एयरपोर्ट आ रहा है, मार्च में स्टार्ट होने वाला है। तो और जुम्मन से बाहर जाएंगे साउथ बॉम्बे के साइड पे जांच प्रॉपर्ली करें, 60,000 पर स्क्वायर फुट के आसपास चल रहा है वो, ये जुम्मन में एरिया में 6,000 रुपए के आसपास चल रहा है। तो एक्टिवेशन से बात दूरी एकदम नजदीक हो गया है, तो इधर एक्टिवेशन होने का बहुत बड़ा ज्यादा चांस है। अभी नहीं मतलब प्रॉपर्टी जो रेट रीजनेबल रेट कंज्यूमर को परचेस करना यही टाइम है। प्रॉपर्टी फ्यूचर में मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, लेकिन ये भाव में जो लेना है तो अभी चांस है और हमने अच्छा प्लेटफॉर्म बना तैयार किया है। आप लोग आओ कंज्यूमर तक, आपका जो कंज्यूमर उनको सबको बेनिफिट मिले वो हिसाब से आप मैक्सिमम अपना कंज्यूमर तक पहुँचो और हमारा ये विनती है कि आपके प्रोडक्ट जरूर सक्सेस। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, हमने लास्ट ईयर 500 से ज़्यादा फ्लैट ऑन द स्पॉट बुकिंग किया है। एक टाइम हमने सेम कार तक लकी रो में रखा है कि जो एडिशनल एडवांटेज दिया कि जो कंज्यूमर ट्रैक ऑन द स्पॉट बुकिंग करेगा उनको हम गाड़ी भी दे सकते हैं, बहुत कुछ गाड़ी के साथ बहुत कुछ हमने साथ में गिफ्ट रखा है। तो हम आपके थ्रू मीडिया सबको रिक्वेस्ट करता है कि मैक्सिमम कंज्यूमर उनका लाभ ले। थैंक यू। Thank you so much, sir. Next, moving ahead, I would like to request Sri Mansukh Patel, Secretary of Pradai BNM Rangar, to give us a small speech regarding our upcoming exhibition. अभी जैसा हमारे सीनियर डे में बताया आपको कि हम 7वां एग्जीबिशन लेके आ रहे हैं, तो हर टाइम हमारा कुछ नया थीम रहता है, जैसे कि लास्ट टाइम हमारा था सपनों का घर, तो इस बार हमारा जो टैगलाइन है वो है अभी नहीं तो कभी नहीं। जैसे कि अभी नई मुंबई का प्राइस आप लोगों ने भी देखा है कि अभी दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, तो अभी इस टाइम अगर आपको जो रेट से मिल रहा है वो नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा, महंगाई भी बढ़ती जा रही है और ये जो भी नई मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बढ़ते जा रहा है। तो इस हिसाब से अभी जो अभी नहीं तो कभी नहीं आप जो कस्टमर के पहुँचने वाले हैं उसको भी घर लेना है तो भी ये सही टाइम है और इस टाइम बाय कर ले। थैंक यू।
Thank you so much, sir. Next, moving ahead, I would like to address Shri Bhadesh Shah, advisor of OIBM Rider, to give us a formal introduction regarding an upcoming exhibition. Almost up, I'm going to give you a little bit of a video for the exhibition. एक चीज जो मैं सॉरी बोलना भूल गया वो है कि लास्ट टाइम हमारे सेलिब्रिटी थे सुनील शेट्टी जी, इस बार हमने अपने सेलिब्रिटी के लिए भी पैशा बासु को अपॉइंट किया है, उनको बुलाया है, उनको चल दिया है उनकी आज ओपनिंग होगी। और इसके अलावा हमारे जो रहेंगे वो कमिश्नर उनके यहाँ से ओपनिंग रहेगी और हमारे पैशन ठाकुर जी उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज या डिग्निटरीज या ऑफिसर्स हम जिनको हमें एनवाइट करके आएंगे हमारे हिसाब से। Thank you so much, sir. Next, I would like to request Mr. Rahul Hazare, our title sponsor of Prajagan and Rider 7th Property Expo 2024, to please speak few words regarding our upcoming exhibition. Last experience. Namaskar. आज मीडिया जे हमारा आज प्रदर्शित करते नवी मुंबई ठाणे रायगड मुंबई शहर तर हे सर्व तुमच्यामुळे घडतं, परंतु एक्झिबिशनमध्ये मी पहिल्यांदा पार्टिसिपेट करण्याचा मला बीएनएम रायगडने चान्स दिला आणि त्याच्यामध्ये 500 बुकिंग झाल्या, त्याच्यापैकी मी 130 बुकिंग केल्या आणि त्याच्यामुळे मी आता टायटल स्पॉन्सरशिप केलं आणि 130 जागा 200 बुकिंग कशा होतील याच्यावर माझं प्रोजेक्ट मी मांडले एक्झिबिशनमध्ये। त्याचे रेट मी एक्झिबिशनमध्ये मार्केटपेक्षा 10-15% डिस्काउंटमध्ये राहील। सर्वप्रथम म्हणजे आता कनेक्टिव्हिटी बघितला तर एअरपोर्ट नजदीकी आलेला आहे, तुमचे शिवडी तो आता जो लिंक आहे तो चिवडेपर्यंत आलेला आहे, चिवडेच ना तर मुंबईला आता 10 मिनिटात कनेक्टिव्हिटी जॉईन झालेली आहे। जर तुम्ही मुंबईचं आणि नवी मुंबईचं आता वेगवेगळे म्हणत असाल तर आता ती एक झालेलं आहे, पण मुंबईमध्ये तुम्हाला घर परवडत असेल तर नवी मुंबईमध्ये त्याच्यापेक्षा स्वस्त किमतीत तुम्ही एक्झिबिशनमध्ये या बघा। अजून एक तुम्हाला सर्वात महत्वाचं एक्झिबिशनचा बेनिफिट म्हणजे प्रत्येकाला बिल्डरांना भेटत असतं आणि बिल्डर भेटत नाही कारण बाहेर मार्केटिंग मधून त्यांना बाहेर जावं लागतं, पण सर्वात तुम्हाला एक्झिबिशनमध्ये या सर्व स्टॉलवरती सर्व बिल्डर हजर असतात, त्याच्यासोबत तुम्ही मीटिंग करून तुम्हाला मार्केटपेक्षा स्वस्त दरामध्ये स्वस्त किमतीमध्ये घर भेटेल। तुम्ही स्वप्न बघत राहा, तुमचे स्वप्न पूर्ण करण्याची नवी मुंबईचे बिल्डर प्रयत्न करत राहतील, एवढं म्हणून मी माझं भाषण संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you so much, sir. So can I have a huge round of applause for all our committee members and our title sponsor. Thank you so much. So now we'll begin with our question and answer session. So I request everyone, ki jitne bhi jo doubts hain, we can ask our committee members all their doubts. Bata sahab, abhi ye. हाँ हाँ यस 100 बिल्डर और 400 प्रोजेक्ट, हर एक बिल्डर के पास 4 प्रोजेक्ट ऑन एन एवरेज रहेगा ऐसा लग रहा है, तो आपके सारे प्रोजेक्ट कौन से एरिया में है रायगढ़ के? आप पनवेल साइड में, कालोटे साइड में या गुलवा साइड में, कहाँ पे है वो तो बताइए। यहाँ पे जो जितने सराउंडिंग पनवेल ये एरिया के अंदर के मैक्सिमम प्रोजेक्ट पनवेल, ये कानोठा, हमारा तलोजा, फिर उलवे, वो एरिया के और सराउंडिंग पनवेल वो एरिया कंप्लीट कवर मैक्सिमम। हर टाइम हमारा जो ये कामोठे के अंदर जो बीएनएम रायगढ़ एग्जीबिशन रखते हैं वो एरिया के ही मैक्सिमम बायर्स और मैक्सिमम प्रोजेक्ट उधर हम लोग प्लान किए। सारे सिटको प्लॉट है, नॉट नेसेसरी, हर बिल्डर के पास में अलग अलग वेरिएशन के प्लॉट और प्रॉपर्टी है, उसमें सब कुछ है। तो ज्यादातर प्रोजेक्ट नैना में है ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नैना सराउंडिंग पनवेल में नैना आ गई, पर उसके बाद में पीएमसी है, सिटको है,
हमारा ये पाम बीच भी, उसमें जो बड़े लेकर है उनका प्रॉपर्टी पाम बीच का भी फ्रेंड किया हुआ है, तो 22.5% की प्रॉपर्टी करंजरा और हमारा पुष्पक नगर भी उसमें पूरा पूरा सब सब प्रोजेक्ट वहाँ पे लिए। अभी कुछ महीने पहले वाशी में मेगा एग्जीबिशन हुआ, उसका एक्सपीरियंस क्या था आपका, कितना रिस्पॉन्स था? अगर आपके पास यहाँ पे 100 बिल्डर पार्टिसिपेट हो रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि न्यू वाशी में जो एग्जीबिशन हुआ उसमें पार्टिसिपेंट बहुत कम थे, प्रोजेक्ट भी कम थे, उसकी वजह क्या थी? वो होने के बाद में भी हमारे वहाँ से वहाँ पे 300 फ्लैट का बुकिंग हम लोगों ने वहाँ पे लिया था, और जितने भी पार्टिसिपेशन थे वो सब मतलब उनको सबको बिजनेस मिला, और ये एग्जीबिशन का जो इफेक्ट है वो एट ए टाइम नए के साथ में सब ब्रांडिंग होती है, सिटी ब्रांडिंग होएगा, बिल्डर खुद अपना ब्रांडिंग करता है, उसके साथ में ये उसका इफेक्ट कम से कम 3 महीने तक सेल के हिसाब में भी कम से कम 3 महीना उसका इफेक्ट चलता है। मतलब वाशी के एग्जीबिशन का बेनिफिट रायगढ़ के बिल्डर को जरूर होगा 100%। जयंती जी आप बताए 100% सिटी होता है, आज न्यू बॉम्बे अपना थर्ड नंबर पे क्लीन सिटी आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा आगे है बॉम्बे से। मैं खुद बैंड्रा में रहता हूँ, लेकिन मुझे खुद ये समझता है कि मेरे यहाँ के रोड्स, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है बॉम्बे से। मैं भी कभी सोच मुझे सोचते पड़ता है कि मुझे शायद शिफ्ट होना पड़े, तो अभी मैं भी ये सोच रहा हूँ कि शायद शिफ्ट ही हो जाओ, ऐसा मुझे लगता है। ये फायदा है जो हर कंज्यूमर को होगा और हर बिल्डर को होगा, ऐसा नहीं कि इसका फायदा हासिल करा ही जाएगा। लास्ट टाइम का एग्जीबिशन का जो रेट था वो सेम रखा है आपने? अभी आप बोल रहे हैं कि आगे बढ़ने वाला रेट है, तो इस टाइम के जो रेट्स है उसमें बढ़े हुए नहीं? इन्फ्लेशन हर साल बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हर साल बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ लैंड हर साल बढ़ती है, तो डेफिनेटली रेट भी बढ़ेंगे बढ़ेंगे, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम यही चाहते हैं कि अगर आप 2000 मैंने यही बोला कि 2024 में अगर आप कोई घर खरीदते हैं तो शायद वो 2025-26 में हो रहे हैं आपको नहीं मिले, इसलिए हमारी टैगलाइन यही है अभी नहीं तो कभी नहीं। शायद वो रेट हमें आप देख सकते हैं, हमने कावड़ा 2500 भी घर बेचा था, आज हम 7000 भी बेच रहे हैं, जो हमने पाम बीच 4000 का रेट था आज कहाँ से कहाँ हो गया रेट, तो डेफिनेटली वो तो फर्क पड़ने वाला है। लेकिन एयरपोर्ट के बनने के वजह से जो आसपास के एरियाज है वहाँ पे हाइट रिस्ट्रिक्शन की वजह से आपको विजिबिलिटी हो रहा है यूडीसीआर के बाद, अभी तक उसका सॉल्यूशन निकला नहीं है? नहीं निकल गया है, हाइट रिस्ट्रिक्शन क्लियर है, जो गाइडलाइंस थी एआईटी एयरपोर्ट अथॉरिटी वो क्लियर है, हर एरिया को उन्होंने नोटिफाइड कर दिया है। आप देखेंगे तो पाम बीच का भी कुछ एरिया अफेक्टेड है, एनआरआई के आजू बाजू में आज भी अफेक्टेड हो पाम बीच का कहलाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे आएंगे सान पड़ा जाएंगे तो हाइट क्लियर है तो पाम बीच रोडी एक तरफ बेरून एक तरफ सान पड़ा है, लेकिन दोनों में हाइट रिस्ट्रिक्शन डिफरेंट है, उससे आगे जाएंगे तो बेलापुर में भी है। तुम्हाला जे बिल्डर येतात त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची ते फ्रॉड किंवा फसवणूक असलेली प्रॉपर्टी त्यांना मानताच येत नाही, त्याच्यामुळे आम्ही बोलतो की तुम्ही एक्झिबिशनमध्ये या, टायटल क्लिअर प्रॉपर्टी असते, तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची फसवणूक बऱ्याचशा सभासदांना डॉक्युमेंट अजून क्लिअर माहीत नाही, सीसी आहे का रेरा आहे का, सीसी कोणत्या प्रोजेक्टचा दाखवतोय हे माहिती असणं गरजेचं आहे, पण एक्झिबिशनमध्ये जर तुम्ही येताय तर जेवढी प्रॉपर्टी मांडलेली आहे त्या बीएनएम रायगडच्या कमिटीने एवढी महत्व लक्ष दिली आहे की त्या आणलेल्या प्रत्येक प्रोजेक्ट टायटल क्लिअर आहे का, ही पडताळणी करूनच ते प्रोजेक्ट तिथं मांडण्यात आलेले आहे, त्यामुळे तुमची एक्झिबिशन मध्ये या जे प्रोजेक्ट आहे त्याच्यामध्ये तुमची कोणतीही प्रकारची फसवणूक होणार नाही एवढी आम्ही मी या कमिटीकडून होऊन घेईन।
सर बीएनएम प्रॉपर्टी एक्सपो जब हुआ तो एक टैगलाइन दी गई थी कि अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी। इस बार की जो टैगलाइन है आप नहीं तो कभी नहीं। मेरा सवाल ये है कि बीएनएम मुंबई जब हुआ था तो उसमें बड़े स्टेक होल्डर्स बड़े बिल्डर्स बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज के साथ आए थे, उसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी भी थी और पहली बार ऐसा देखने के लिए मिला कि जब 2 करोड़ का घर बेचना भी बिल्डरों के लिए मुश्किल हो रहा था तब तो साथ-साथ 10-10 करोड़ के घर इसी बीएनएम प्रॉपर्टी एक्सपो में बेचे गए, बड़ी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी बेची गई। जब बीएनएम रायगढ़ यूनिट का जब एक्सपो होता है तो ये उम्मीद की जाती है उसके लिए छोटे बिल्डर्स जो अफोर्डेबल हाउसिंग खासकर बनाते हैं क्योंकि रायगढ़ और मेवात का जो इलाका है उसमें मोस्टली जो छोटे बिल्डर्स हैं छोटे डेवलपर्स हैं वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेकर आते हैं जिससे सामान्य लोगों को घर खरीदना बहुत आसान होता है। बड़े टाउनशिप नहीं होती है, थीम टाउनशिप नहीं होती, थीम बेस्ड टाउनशिप नहीं होती तो घर सस्ते होते हैं। इस एक्सपो में बड़े जो स्टेक होल्डर्स बड़े जो बिल्डर्स को छोड़कर अगर 100 बिल्डर का आंकड़ा मार के चले तो जो सामान्य बिल्डर्स वो कितने हैं और उनके प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ पे उनको रेट किस तरह से है जरा प्लीज बताए। तो 70% जो डेवलपर है वो अफोर्डेबल सेगमेंट में है जहाँ रेट आपका 5,000 रुपये स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है और यार करंजा बोलो पुष्पक नगर बोलो पंडित पेरिफेरल बोलो एमएमआर रीजन बोलो पूरा वो रीजन में पूरा डेवलपर करके सब लोग का पार्टिसिपेट है। आपको यहाँ पे हमने जो डेवलपर ने पार्टिसिपेट किया है पूरा पेनिमेरी सराउंडिंग से कोई डेवलपर खपोली से कोई डेवलपर रसायनी से है तो आपको हर एक चीज आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। आप अगर एग्जीबिशन आएंगे तो कोई चांस मिस नहीं होगा कि मेरे को ये जगह चाहिए था फ्लैट चाहिए था नहीं मिलेगा ऐसा स्कोप नहीं होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ बिल्डर डेवलपर है तो आपको सब जगह का प्रॉपर्टी एक ही जगह पे देखने को मिलेगा। वसु भाई आप तो मेंटर हैं पूरे बीएनएम यूनिट के, प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या अभी होम सीकर्स को होम बायर्स को फायदा मिल रहा है क्या? इस एक्सपो में कितना बड़ा फायदा उनको मिलेगा होम बायर्स को? प्रधानमंत्री आवास योजना ये हम लोग के एक एग्जीबिशन के हिसाब में नहीं है। अब एक बात जरूर है कि पब्लिक गवर्नमेंट का नाम या सिडको या वैसा आता है तो वहाँ पे फ्लो ज़्यादा जाता है, पब्लिक वहाँ पे जाती है, लेकिन ये हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो हम लोग एक्सपो में खाली हम लोग के जितने प्रोजेक्ट है उनके लिए ही हम लोग ने ये एक्सपो रखा है। आने वाले समय में अगर सिडको उसकी हाउसिंग स्कीम की लॉटरी निकालती है तो उसका इफेक्ट आपके प्रोजेक्ट पे कितना पड़ सकता है? हम लोग को जो हमारा पर्सनल या प्राइवेट बायर्स है वो हमारे पास ही आता है, ऐसी नौकरियां पहले भी आ चुकी है और वो आती रहेगी, लेकिन जो प्राइवेट बिल्डर का जो परचेस करने वाला है वो हमारे पास ही आता है। क्यों बायर सिडको के फ्लैट परचेस करने के बजाय बिल्डर के क्यों परचेस कर रहा है? उसका रीजन ये है कि न्यू होम में एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और जो कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, डेटा देखेंगे रजिस्टर डेटा देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अभी, तभी सिडको का आने के बाद भी सिडको भी फ्लैट लेंगे और हमारे पास भी फ्लैट लेंगे हमारा क्वालिटी में भी और क्वालिटी में भी 100% डिफरेंस है वो आप देखेंगे, इतना साल से देख रहे हैं हम लोग तो उसमें आपको क्लियर पिक्चर मालूम पड़ेगा। सिडको के क्वालिटी से ज्यादा क्वालिटी आप लोग की है सर रेरा आने के बाद, अभी तो सब डेवलपर इतना अच्छा क्वालिटी कर रहे हैं कॉन्शियस हो चुके हैं और जो आपको खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा आप अभी डेवलपर के पास घर देखने के लिए जाएंगे पहला का और आज का घर बहुत अच्छा जमीन का पर है पत्रकारों का आपके रेट परवर्तन नहीं है सर जर तुमच्या घरात स्वप्नातलं जर आम्ही पूर्ण करू शकतो तर तुम्ही आमच्या ऑफिसला विजिट करा आणि
जो शासन ने दिया था मुद्दत में उसी डिस्काउंटेड रेट से लगा हुआ है, जो 50% लोग थे उनके। इतने सारे 400 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इसमें एक्सपो में शोकेस होने वाले हैं, क्या इसमें कोई ऐसे भी प्रोजेक्ट है जो रेंटल हाउसिंग के प्रोजेक्ट है? क्योंकि मुंबई में तकरीबन 30,000 रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट ने ले किया है, बड़े बड़े जैसे डीडीएसआर है, हरियत है, पैराडाइज है, तमाम ऐसे बड़े बिल्डर्स है जिनके यहाँ रेंटल हाउसिंग के 1600 से ज्यादा जो फ्लैट्स है वो यहाँ तो सब अलग स्कीम बन दी है, बीमारी रहेगी और आज लैंड कॉस्ट इतनी महंगी है कि वो अफोर्डेबल जो आप बोल रहे हैं वो रेट इम्पॉसिबल चीज है। आपको बताया रेट बढ़ रहा है उसमें जो अभी जो ऑथोरिटी का जिम्मेदारी है वो तो ऑथोरिटी ही पूरा कर सकती है, उसमें बिल्डर का कोई रोल नहीं होगा। क्योंकि पानी बोलेगा तो सीट बोलेगा, जो भी वहाँ पे जो ऑथोरिटी होगी वो पूरा करेगी। ट्रांसपोर्टेशन तो ट्रांसपोर्टेशन की उनकी जवाबदारी रहेगी। हम लोग बेच के भागने नहीं वाले, बेचने पे यहाँ ही रहने वाले। आज तक ये हमारा बीएनएम रायगढ़ का ये 7वां एग्जीबिशन कर रहे हैं, इससे पहले बीएनएम नवी मुंबई का एग्जीबिशन किया, उसको 22 साल हो गया। 22 साल से हम लोग आगे नहीं, हम लोग यहाँ पे ही। एक मिनट, आपका उसमें आप लोगों का प्रेस का आपको सपोर्ट चाहिए। अगर सिडको वेरा के अंदर आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सिडको आएगा तो सिडको डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएगा, हो जाएगा तो आप लोगों का प्रॉब्लम भी साथ में सॉल्व हो जाएगा। जो सिडको एरिया में है उसमें हो जाएगा, बट एक चीज ऐसी है कि आप लोग कॉर्पोरेशन से या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट से परमिशन वगैरह लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे तो आप भरते हैं, फिर आप लोग ऑथोरिटी से डिमांड क्यों नहीं करते कि हमें पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दो करके? हम लोग ये जब भी रेरा का रेरा यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया उसी टाइम से हम लोग सभी जो भी ऑथोरिटी है वो ऑथोरिटी के को भी रेरा में लो, जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट बिल्डर पे आती है उसकी जगह में वो अथॉरिटी को जाएगी। क्यों तो सिडको भी आज हम जैसे प्लॉट बेचते वैसे हमारे को प्लॉट बेचता है, तो सिडको का भी वो अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, बाकी का डेवलपमेंट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर या पानी या जो भी चीज पूरी करने की है। लेकिन इसमें जैसे चिराग भाई ने बोला है तो उसमें आप लोगों का सपोर्ट बिल्कुल जरूरी है। हम लोग पेपर वर्क ऑलरेडी सभी अथॉरिटी से किया, इवन रेडा से भी मांग रखी हुई है, बट अभी तक सक्सेस नहीं गए। पेविलियन इस बार एक्सपो में 8-10 पेविलियन हम लोगों ने प्रोवाइड किए और लास्ट टाइम से 30% प्लस एरिया हम लोगों ने बढ़ाया हुआ है। इस बार गवर्नमेंट थर्ड मुंबई की सोच में है, जो पर्यटन के बाजू में ही बन रही है, जिसमें नैना कोटा
और ट्रेन के ट्रेन तालुका के कुछ गांव है। फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि ये तीसरी मुंबई का जो खेल गवर्नमेंट खेलना चाहती है, आप उसको किस तरह से सोचते हैं? गवर्नमेंट इतना सोच रही है, इतना पोटेंशियल न्यू मुंबई में है, वो पोटेंशियल देख के गवर्नमेंट ला रहे इसकी। वो तो अभी एनपीडीए में जा रहे हैं, वहां पे बहुत सारे बिल्डर लोगों ने जमीन खरीदी है, अगर वो एनपीडीए में गई तो उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा, ऐसा नहीं लगता आपको? गवर्नमेंट पूरा खुद थर्ड सिटी ला रहा है हम लोग, तो एनडीटी में नहीं होगा वो प्रपोजल, गवर्नमेंट का प्लान के साथ सोच के साथ ला रहा है, तो पूरा एनडीटी में नहीं जाएगा, जो लैंड अलग सेपरेट सेपरेट लैंड में एनडीटी जाएगा, पूरा लैंड उसमें नहीं जाएगा, तो स्कीम लाने का मतलब ही नहीं गवर्नमेंट का। पूरा फिर थर्ड सिटी क्या क्या चीज के लाएगा, रोड डेवलपमेंट जोन होगा तो थर्ड सिटी कहाँ से आएगा, जो थर्ड सिटी आएगा रोड डेवलपमेंट जोन नहीं कभी आएगा। सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।